हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद पैशन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से सरसों का साग किस तरह से बनता है ये बताऊंगी। तो रेसिपी को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखें ताकि जो सारे टिप्स हैं उसको आप फॉलो कर सकें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 किलो मैंने सरसों का साग जो है वो काट करके अच्छे से धो करके रख लिया है। इसके साथ मैंने दोस्तों 1/2 किलो इसमें पालक का इस्तेमाल करा है, और इसके साथ साथ दोस्तों 250 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने इसमें बथुआ इस्तेमाल करना है। इसको भी मैंने धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। कम से कम आप इन दोनों चीज़ों को दोस्तों 3-4 पानी में ज़रूर धोएं, तभी ये अच्छे से साफ़ होंगे। इनके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे लहसुन और 3-4 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को दोस्तों हम बॉईल करेंगे। तो प्रेशर कुकर में आज का हम सरसों का साग बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से और जल्दी से बनेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें सबसे पहले हम अपना धुला हुआ बथुआ ऐड कर लेंगे। इसको दोस्तों मैंने थोड़ा बारीक काटा हुआ है, आप इसको या तो घर पे काट लें या फिर आप इसको बाज़ार से भी कटवा करके ला सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम सरसों और पालक जो हमने मिक्स काटी हुई है इसको ऐड करेंगे। एक बार में दोस्तों प्रेशर कुकर में जितनी भी ये हरी सब्ज़ी हमारी आएगी उसको हम डाल लेंगे, और बाकी हम जैसे ही गैस पे रखने के बाद ये श्रिंक होगी, हम धीरे धीरे बाकी की इसमें ऐड करते जाएंगे। तो जितनी हमारी हरी सब्ज़ी इसमें आई है मैंने ऐड कर दी है। इसके साथ साथ हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसको अब हम अपने गैस पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें दोस्तों हम 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। और दोस्तों इसकी लिड को हम इसके ऊपर लगाएंगे, जिसकी कि हम ये रबड़ और जो विसल है हम निकाल देंगे। स्लोली सा हम इसको रख देंगे ताकि जो हमारा साग है वो धीरे धीरे जो श्रिंक होकर के नीचे हो जाए। तो 2-5 मिनट बाद हम चेक करेंगे, देखेंगे इसमें उबाल आया था और जो हमारा सरसों है साग है वो काफ़ी नीचे दब गया है। तो बाकी का जो हमारा बचा हुआ हरा साग है हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ साग भी मैंने डाल दिया है, इसको भी हम 5 मिनट श्रिंक होने देंगे। तो ये देखिए श्रिंक हो चुका है। इसमें अब दोस्तों हम 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, जब तक कि हमारा जो हरी सब्जी है दोस्तों अच्छे से श्रिंक ना हो जाए। तब तक हम इनको विसल्स नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो पूरा सरसों है, पालक, बथुआ अच्छे से श्रिंक हो चुका है, इसे अच्छे से पानी को छोड़ दिया है। अब हम विसल और रबड़ लगा करके इसको हम विसल्स लगवाएंगे। कम से कम इसको हम 5 से 6 विसल्स लगवाएंगे, बाकी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि अच्छे से पक जाए। जब तक हमारा साग पकता है दोस्तों हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 5-6 प्याज, टमाटर और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इन सब चीज़ों को हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो देखिए अदरक को भी बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है, प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है और टमाटरों को भी मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई ले ली है। तो दोस्तों जो सरसों का ट्रेडिशनल साग है वो हमेशा प्योर देसी घी में बनता है, तो इसके लिए आज मैं भी इसको देसी घी में ही बनाऊँगी। तो 2 से 3 चम्मच इसमें हम घी डाल लेंगे कढ़ाई में और इसको मेल्ट होने देंगे, और फिर हम इसमें प्याज जो है वो ऐड कर देंगे। प्याज डाल करके दोस्तों हम इसको तब तक सौते करेंगे जब तक ये अच्छे से ये गोल्डन ना हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो चुका है, गोल्डन हो गया है। अब इस दौरान दोस्तों हम इसमें जो है कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए हम अदरक को भी इसमें अच्छे से भून लेंगे, और अब हम इसमें टमाटर जो है वो भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें टमाटरों को भी इसमें पका लेना है। टमाटर अच्छे से पके दोस्तों इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे,
इससे जो टमाटर हैं वो जल्दी और अच्छे से पकेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, टमाटर भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं और इसने जो है घी है साइड्स पे छोड़ दिया है, यानी कि जो हमारा तड़का है वो अच्छे से भुन चुका है। इसको अभी हम बंद करके साइड पे रख लेंगे और जो अपने सरसों को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए 5-6 विसल्स के बाद जो हमारा साग अच्छे से गल चुका है, इसको या तो हम दोस्तों इसी तरह से करछी की मदद से दबा करके मिक्स कर लेंगे, या फिर आप ट्रेडिशनल तरीके से इसको मैश करेंगे किसी घोटने से। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इन दोनों चीज़ों में से आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप इसको मिक्सर में भी मैश कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें 2 चम्मच के करीब कॉर्न मील डालेंगे। आधा मैंने इसको मैश कर लिया है। कॉर्न मील डालने के बाद इसको हम और अच्छे से मैश करेंगे ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी हो जाए और ये बहुत ज़्यादा पतला या पानी वाला ना लगे। तो दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है दोस्तों, इस तरह से हम इसको इस घोटने से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 5-7 मिनट इसको अच्छे से घोट लिया है और जो साग है वो अच्छे से मैश हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही क्रीमी हो चुकी है। हमें इसी कंसिस्टेंसी तक इसको मैश करना है। तो ये अभी हमारा साग अच्छे से मैश हो चुका है, इसको अब हम तड़के में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा तड़का भी तैयार है, उधर साग भी हमारा मैश हो चुका है। तो हम साग को जो है वो तड़के में ऐड कर देंगे। पाँच मिनट तक दोस्तों हम इसको गैस पर पका लेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए, ताकि जो तड़का है वो इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और ये हमारा साग दोस्तों बिल्कुल तैयार है। हम इस पर एक फाइनली जो तड़का लगाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटी तड़का पैन में 1 चम्मच घी डाल लिया है, प्योर देसी घी। इसको हम मेल्ट होने के बाद इसमें दोस्तों हम 2 चुटकी हींग डालेंगे। 1 से 2 हम इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2-3 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी हैं और 2 से 4 हम जो कलियां हैं वो इसमें लहसुन की डालेंगे, जिससे कि साग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा और उभर करके आएगा। 1 मिनट हम इन सब चीज़ों को स्लो फ्लेम पर भून लेंगे और डायरेक्ट हम ये तड़का जो है अपने साग के ऊपर ऐड करेंगे। तो लीजिए, हमने ये तड़का साग के ऊपर ऐड कर दिया और ये हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल सा साग बन के तैयार है। दोस्तों इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है, खाने में बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की मेरी ये साग की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।